ओके, तो भाई अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है, अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है बोहर एटॉमिक थ्योरी की, बोहर एटॉमिक मॉडल की, वो है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हालांकि आपके दिमाग में ये होगा भाई कि ऐसे क्वेश्चंस तो भाई छोटी क्लासेस में पूछे जाते हैं, यहाँ पर हमको ऐसे क्वेश्चंस हमको भाई क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, नेट में भी पूछ लेते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल ऐसा मॉडल है मतलब जो 12th क्लास से जिसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और BSc में भी क्वेश्चन आते हैं, और आपके MSc में भी क्वेश्चन आते हैं, और आपका जो भाई आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनमें भी इनके ऊपर क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये देखें कि जब हमने आपको डेरिवेशन ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी बताया था तो हमने आपको EN टोटल, EN काइनेटिक और EN पोटेंशियल, इनके हमने आपको भाई एक्सप्रेशन डिराइव करने सिखाए थे। ठीक है, तो आप बताएं EN टोटल का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था? ये था -MeV²Z²8ε0²h²n²। ठीक है, और भाई जब आपने सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी थी तो ये आपके पास क्या बनता था? -13.6Z²n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और EN काइनेटिक आपके पास क्या आया था बताओ भाई? कि -MeV²Z²8ε0²h²n², इसमें भी आपने भाई सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट की तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा? 13.6Z²n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आप देखें भाई पोटेंशियल एनर्जी, जो भाई पोटेंशियल एनर्जी है उसकी आप बात करें। ठीक है, उसमें क्या था भाई? EN टोटल का जो फॉर्मूला था इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और भाई माइनस साइन रखा आपने इसका। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आया था आपके पास? -27.2Z²n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भाई तीनों फॉर्मूले आपने डेराइव किए थे डेरिवेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल के दौरान, आपको याद होगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई बताओ क्या रेशियो होगा किसी बोर सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होएगा किसी बोर ऑर्बिट में, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो वो रेशियो होएगा भाई 1। ठीक है, अगर आपसे वैसे रेशियो पूछ ले, आपसे भाई वैसे अगर कोई रेशियो पूछता है तो आपको बाकायदा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लिया आपसे भाई ये पूछ ले कि 5th बोर ऑर्बिट में तो काइनेटिक है और भाई 3rd बोर ऑर्बिट की पोटेंशियल, तब तो आपने 5th बोर ऑर्बिट की काइनेटिक और 3rd ऑर्बिट की आपने पोटेंशियल निकाल के उनको आपने बाकायदा भाई आपस में डिवाइड करके कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप अगर सेम बोर ऑर्बिट हैं तो आप इनको कैसे टैकल कर सकते हो सेम सिस्टम के लिए? ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लें कि किसी बोर सिस्टम के किसी बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होता है, तो टोटल एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी, तो ये फॉर्म ये एक्सप्रेशन किसके हैं? टोटल के, और ये बताओ दोनों एक्सप्रेशन किसके हैं भाई? काइनेटिक के। तो EN टोटल बाई EN काइनेटिक क्या हो जाएगा? तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा ना। ठीक है, तो n² से n² कैंसिल, z² से z² कैंसिल, 13.6 से 13.6 कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा? -1। तो EN टोटल बाई EN काइनेटिक क्या था आपके पास? -1। अब उसी तरीके से आप निकाल लें EN काइनेटिक बाई EN पोटेंशियल, तो EN काइनेटिक आपके पास क्या था बताओ? तो ये क्या था आपके पास? EN काइनेटिक, और ये आपके पास क्या थी? EN टोटल। तो अब आप एक काम करें, इसको डिवाइड कर दें इससे, तो EN काइनेटिक बाई EN पोटेंशियल क्या आ जाएगा भाई? तो 13.6Z²n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये फ्लिप हो जाएगा भाई, हमने इसको फ्लिप कर दिया। ठीक है, तो n² से n² कैंसिल, z² से z² कैंसिल भाई, और माइनस साइन यहाँ पर रहेगा। अब 13.6 से आप काटोगे 27.2 को, तो 2 पे जाएगा, तो आपके पास क्या -1.2। तो EN काइनेटिक बाई EN पोटेंशियल क्या था आपके पास? -1/2। अब आप देखें EN टोटल बाई EN पोटेंशियल क्या होगी? EN टोटल बाई EN पोटेंशियल, अब आप इस फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दें इस थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, तो EN टोटल बाई EN पोटेंशियल, तो दिस बाई दिस, तो भी नीचे वाला क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा। तो n² से n² कैंसिल, z² से z² कैंसिल, और भाई 13.6 से आपने इसको काटा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2। तो EN टोटल बाई EN काइनेटिक क्या है आपके पास? -1। EN काइनेटिक बाई EN पोटेंशियल क्या है आपके पास? -1/2। और EN टोटल बाई EN पोटेंशियल क्या है आपके पास? 1/2। और इनके रेसिप्रोकल पूछ लें तो आपसे भाई, यानी कोई आपसे ये पूछ ले कि नहीं भाई हमको EN टोटल नहीं, हमको EN टोटल बाई EN काइनेटिक नहीं, हमको आप EN काइनेटिक बाई EN टोटल बताएं, तो भाई ये -1 का आप क्या करें? रेसिप्रोकल। -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होएगा? -1। और आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई आप हमें EN काइनेटिक बाई EN पोटेंशियल का नहीं, आप EN पोटेंशियल बाई EN काइनेटिक बताएं, तो आपने क्या करना है? तो भाई इसका आप क्या कर दें? रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा? -2। और
ई एन पोटेंशियल बाई ई एन टोटल क्या हो जाएगा, टू। आप समझे मेरी बात? लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि ये एक ही बोर सिस्टम के सेम ऑर्बिट्स की बात हो रही है। अगर भाई किसी बोर सिस्टम के अलग अलग ऑर्बिट्स हों तो आप और उनमें आपसे भाई पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन पूछते हैं, ठीक है, उनकी रिलेटिव आपसे स्टडी पूछते हैं, तो आपने उनकी वैल्यू बाकायदा कैलकुलेट करके और आपने उसको भाई तब आपस में रिलेटिवली डील करना है। ओके,